नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल संवाद जानवी में। और आज मैं पहुंचा हूं गुप्त काशी, श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में। यहां इस मंदिर की क्या मान्यता है और कितना पौराणिक मंदिर है, इस बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बाबा केदार की डोली के दर्शन कराता हूँ। बाबा केदार की डोली अपने जो इनका शीतल गद्दी स्थल उखी मठ है, ओंकारेश्वर मंदिर से निकली अपने धाम के लिए, और इसी के साथ यात्रा शुरू हो गई है उत्तराखंड में। तमाम और जो पड़ाव है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले मैं आपको श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी जो है इसकी महिमा बताता हूं। तो चलिए मेरे साथ मंदिर के दर्शन कराते हैं आप। जय भोलेनाथ। और इस समय हम जो है ये श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी में है, और यहाँ पर जो है आज बाबा की डोली पहुँची है। बाबा केदार अपनी यात्रा पर निकले हैं, और ये है जो है मंदिर, कितना खूबसूरत ही नंदी जी। नंदी जी यहाँ विराजमान है। जय बाबा। पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर जैसे लगभग उसी की तरह है ये। और ये जो है कौन सी गंगा जी, और गंगा जमुना की दो धार है, ये आप देख सकते हैं श्री विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी। रुद्रप्रयाग जिले में है ये उत्तराखंड के, और यहाँ केदार बाबा की डोली अभी पहुँची है। ये देख के नंदी जी, जय हो नंदी बाबा की। जी सुर सुटकर। हाँ महाराज, आपको बता दूँ कि ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, और ये काशी विश्वनाथ से पहले ये गुनो सिद्धेश्वर, सिद्धेश्वर महादेव जो सिद्ध स्थान सिद्धेश्वर जो वे टाइम पर बोले जाने कि प्राचीन काल में भगवान शंकरन जो थे त्रिशूल की तीन तीन शूल बन दो मत तीन पुरियों की स्थापना करें, बनारस काशी, उत्तर काशी और ये गुप्त काशी सिद्धेश्वर काशी। लेकिन जब द्वितीय जो द्वापर युग का अवसान का समय पर जो महाभारत को युद्ध हुए, तो महाभारत का युद्ध का पश्चात अपना तमाम गुरु हत्या, गोत्र हत्या, भ्रातृ हत्या, ब्रह्म हत्या का पाप से निजात पौणोदय पांडवों केदारखंड की यात्रा करें, और जब से केदारखंड की यात्रा में चलते चलते जब से गुप्त काशी में पहुँचे ना, तो यख में जो उत्तर वाहिनी गंगा थे और भगवान शंकर जो सिद्धेश्वर नाथ जी चाहे वो श्री पातालवासिली वेगिन गुप्तवासिली ये दिन पर नहीं कौन गुप्त काशी में। अब पांडव लोग बड़ा दुखी हुए इनका हमारा ओण से यो, तो ना तो भगवान शंकर रहे न गंगा रहे, तो भगवान की तपस्या करें। तब भगवान जी ने अर्धनारीश्वर के रूप में, आधा नारी और आधा पुरुष का रूप में, मंदार माला कुलितालिकाए कपाल माला अंकित शेखराय दिव्यम वराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय,
तो ये रूप में जो अर्धनारीश्वर को मंदिर साहब आप तब देखी देखू थे अर्धनारीश्वर का रूप में दर्शन दे तो पांडवन फिर बोल के प्रभु आपा दर्शन थम तब लेकिन बोले पूर्ण दर्शन में केदारनाथ में गए कि जब आपा दर्शन पे फिर गंगा के दर्शन के बोल गंगा तो पाताल भाषी की हुई तो भगवान से कहना अपने लठ खोली और तो अपने द्वी बूंद सबके ने बोले कि भाई ये जो जल निकलो लो जो तो गंगा यमुना धारा बोले तो आज भी ये गंगा धारा थी ये यमुना धारा थी और यूँ से निर्मित जो कुंड थे तो तब ते कुंड नीचो बाद में पार्वती जी ओन था स्वच्छ जल में रूप निहार था तो कभी शीश फूल निकालता कभी तेरे पैर का कपड़े चेहरा जोखता एक दिन के बाद तो कान की जो मणि थे तो ते तालाब में पड़ी ते तालाब में पड़ी तो उन सारी पेड़ खोजी नहीं मिली तब तो उन वीरभद्र और धर्मनाथ जी तब बोले भाई जरा खोजो यहाँ मेरी मणि को गए तो उन्होंने बहुत कोशिश करी खोए नहीं और बहादुर लोग बहुत बड़ा खड्डा कर लिए तो बड़ा खड्डा कर लिए माता जी थोड़ी देर मान देखू ये तो बहुत बड़ा खड्डा हुई मणि मिली इन मणि नहीं मिली तो तब भगवान मूल मूल अब लिए देखना था तो भगवान ने पार्वती तो समझाई तो चिंता न कर तेरे कान की मणि ये वहाँ पड़ी करण की मणि तो करण की मणि पड़ना कारण ये मन करने का कुंड बोल मणि करने का करने का मणि जागिरा है उस कुंड का नाम मणिकर्णी का कुंड है। और आज का पश्चात जो भी ये कुंड में स्नान कर लो और जो भी ये तर्पण वगैरह दे लो ते जो पितृमुक्ति सायुज्यम तर्पण फल पाता वो पितृमुक्ति फल पौलो तर्पण को फल पौलो और ये वास्ता आज के बाद जख्म जो भी दान बोलो गुप्त बोलो आप 1 करोड़ दान भी देते हैं उसको गोपनीय अगर 1 रुपये का दान देते हैं उसको भी गोपनीय यहाँ पर ये परंपरा है कि पूजा के पश्चात नारियल गोला निमन ते गोला काटी था ते माँ दक्षिणा धोरी था और जो पूजा करने वाले जो ब्राह्मण होता है भेंट दिया जाए पांडव लोग का सबसे पहला प्रामाणिक यात्री जैसे पहले पे प्रमाण लेकिन पांडव प्रमाण कि आज से लगभग 5,500 वर्ष पहले केदारनाथ की यात्रा शुरू हुई थी 5,500 वर्ष बहुत बोल रही और तैसे पहले भी यात्रा चलनी थी लेकिन जो गुप्त काशी को इतिहास से लिखित इतिहास जो हम तक पुराण वहाँ मिलते तो स्कंद पुराण वहाँ मिलते केदारखंड वहाँ तो सोते से मिलते तो ये वजह से भगवान का गुप्तवाद लोना कारण ये होनो सिद्धेश्वर काशी का बजाय बाद में गुप्त काशी का नाम सोचा तो गुप्त काश्याम पुरावृतम तीर्थ स्थान कथाम सुवाम विश्वनाथ निवास लोक मंगलदायक यख जो विश्वनाथ जी थे तो संसार का कल्याण का वास्ता नित्य निरंतर यह निवास कदन और भगवान शंकर बदन कि जब सृष्टि को प्रलय हुए एक बाद में ही काशी निवास कर चलिए त्रिशूल का मध्य भाग तो दुई नीचल वाल भाग समाप्त हो जाए लेकिन मध्य भाग स्थित हो ये काशी तब भी विद्यमान रहेगी। धन्यवाद। और अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ बाबा केदार की डोली के जो गुप्त काशी पहुँची है तो चलिए पहले बाबा के दर्शन करते हैं उसके बाद आरती आपको दिखाएंगे। Hello।
लगातार मुझे आपके संदेश मिल रहे हैं और मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि जो उत्तराखंड की हमारी जो लोक संस्कृति है, जो लोक परंपराएं हैं, उनको आपको दिखाऊं। और लगातार आपके कमेंट भी मुझे मिल रहे हैं, कई लोगों का कहना है कि मैं धार्मिक चीज़ें जो है उनको दिखाऊँ, और कई कह रहे हैं कि जो गाँव हमारे जो गाँव में हमारी परंपराएं हैं उनको भी हम लेकर आएँ। तो हम निश्चित तौर पर लेकर आएंगे आपके लिए उन चीज़ों को। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।